नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आरती। देश की सियासत में इन दिनों मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल अलीगढ़ से बीजेपी के सांसद सतीश गौतम ने एएमयू के हॉल में जिन्ना की तस्वीर होने पर सवाल उठाया, जिसके बाद इस पर बवाल शुरू हो गया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर देश का बंटवारा करवाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि जिसकी तस्वीर को लेकर भारत की राजनीति का पारा इतना चढ़ा हुआ है, आखिर वो कौन है और क्यों जिन्ना को भारत का सबसे बड़ा खलनायक कहा गया है। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान में वही स्थान है जो भारत में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का है। आजादी की लड़ाई में जिन्ना महात्मा गांधी के साथ मिलकर भूमिका निभाते दिखे, लेकिन इस दौरान जिन्ना के दिल में उपजी एक महत्वाकांक्षा ने भारत के दो टुकड़े करवा दिए और ये इतिहास लाखों लोगों के खून की स्याही से लिखा गया। जिन्ना का जन्म गुजरात के पंडोली गांव में हुआ था। हालांकि वो हमेशा से कट्टर मुस्लिम नहीं थे, वो पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहनते थे और सिगार वाइन भी पीते थे। 1906 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसके बाद उन पर इस्लामी विचारधारा का असर और गहरा होता चला गया। 1930 आते आते देश में आज़ादी की लड़ाई और तेज हो चली थी। इस बीच अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति के तहत हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई को हवा देना शुरू कर दिया। इसके बाद जिन्ना ने आज़ादी की लड़ाई के साथ मुस्लिम हितों को अलग कर लिया। जिन्ना का कहना था कि हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते। उनके रीति रिवाज, रहन सहन बिल्कुल अलग अलग है। यही नहीं, दोनों समुदाय एक दूसरे के घर खाना नहीं खाते और ना ही विवाह करते हैं। इसी को आधार बनाकर जिन्ना ने दो राष्ट्र के सिद्धांत की मांग रख दी। जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र मांगा। हालांकि महात्मा गांधी जिन्ना की इस मांग को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे। गांधी ने जिन्ना को कई बार मनाने की कोशिश भी की, लेकिन कहा जाता है कि सत्ता के लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। जिन्ना को लगा कि भारत में रहकर वो सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। उन्हें पाकिस्तान का कायदे आजम यानी महान नेता बनना था। जिन्ना ही वो शख्स था जिसने भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक गहरी रेखा खींच दी। इसका अंत 1947 में भारत के बंटवारे के साथ हुआ। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस बंटवारे की कहानी में लाखों लोगों का खून बहा और यही वजह है कि आजादी के 70 साल बाद भी मोहम्मद अली जिन्ना भारत का सबसे बड़ा विलन है।